रहे हैं आप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इस सरकार को हटाना ही होगा। किस सरकार और किसके बारे में बात की जा रही है, आपको पूरी जानकारी देंगे इस रिपोर्ट में, बने रहे हमारे साथ। जी हाँ, सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कतिपय मीडिया में छपी गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी एक खबर को पोस्ट किया। इस पोस्ट के साथ उन्होंने शाह के संदर्भ में कहा, अमित शाह जी हाँ, शाह के संदर्भ में कहा कि असल में ये सत्ता का अहंकार है कि शाह अफसरों को धमका रहे हैं और शिवराज सरकारी पैसों को बांट कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जनता के वोट से चुनी गई सरकार, मतलब था उनका कहने का, यहाँ तो खरीदी गई। जी हाँ, जनता के वोट से चुनी गई सरकार को चुनाव में जाने से पहले इस तेवर के लिए माफ नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र बचाना है तो उन्हें हटाना ही पड़ेगा सत्ता से, उन्हें हटाना चाहिए। कांग्रेस लाओ देश बचाओ, सिंह ने जिस खबर का संदर्भ दिया उसके अनुसार कल देर रात भारतीय जनता पार्टी की भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की बैठक में शाह ने अधिकारियों के संदर्भ में कथित तौर पर चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। अफसरों के लिए चेतावनी भरे शब्द के इस्तेमाल किए गए शाह के द्वारा। इस खबर को लेकर कांग्रेस के नेता भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। जी हां, मौका मिल जाता है ऐसे में। वहीं अपनी एक और एक्स पोस्ट पर में सिंह ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा की गुटबाजी इन दिनों चरम पर है, जिसे ढांकने के लिए वे प्रायोजित रूप से कांग्रेस नेताओं में खासकर उनकी और कमलनाथ के बीच उनके और कमलनाथ के बीच की अनबन की झूठी खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस का हर एक नेता भाजपा को हराने के लिए एकजुट और संकल्पित है। जी हाँ, लेकिन ऐसा आप सोच सकते हैं, ना केवल कांग्रेस के नेता, ना केवल कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने में लगी हुई है, बल्कि कई विपक्षी पार्टियां हैं जिनका महाजुटान हो चुका है बीजेपी को हराने के लिए, जिसका नाम रखा गया है INDIA, गठबंधन, महागठबंधन। ये गठबंधन जो बना है जिसमें कई विपक्षी पार्टियां एक जगह पर आकर खड़ी हो गई हैं और सभी का मकसद यही है कि बीजेपी हराओ, उसे सत्ता से हटाओ। खैर, रिपोर्ट यहीं तक, फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात।